हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट पर ड्रायर का टॉपिक चालू है जैसा कि आप जानते हैं, और ड्रायर के टॉपिक में पिछली वीडियो जो हमने देखी थी वो ट्रे ड्रायर की देखी थी। क्या देखी थी? ट्रे ड्रायर की देखी थी। आज का जो टॉपिक है वो है उसी के थोड़ा सा अगला स्टेप, वैक्यूम ट्रे ड्रायर। अब थोड़ा सा भी अगर आपके पास कॉमन सेंस बचा होगा, अगर आप थोड़ा सा भी अपने नॉलेज को रखे होंगे, तो जैसा कि आपको बताने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है कि क्या होता है वैक्यूम ट्रे ड्रायर। देखो भैया, ट्रे ड्रायर है, इसमें केवल एक वैक्यूम लगा दिया, इसलिए इन्होंने इनको वैक्यूम ट्रे ड्रायर बोल दिया। ठीक है, बात यहीं तक समाप्त नहीं होती, थोड़ा सा स्टेप और आगे बढ़ता है कि इसमें क्या जरूरत थी वैक्यूम लगाने की। जब मेरे पास ट्रे ड्रायर ऑलरेडी इक्विपमेंट था, तो हमने क्यों एक प्रकार का वैक्यूम लगाया? वैक्यूम का एक अलग से कास्ट बैठा होगा, या तो वैक्यूम पंप लगाया होगा या स्टीम जेट इजेक्टर लगाया होगा, अलग से कास्ट बैठा। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी? तो ऐसी जरूरत ये पड़ी कि हमने देखा पिछली वीडियो में अपने कि ट्रे ड्रायर जब हम जहां पे बैठा रहे थे या ट्रे ड्रायर से जो वर्क करा रहे थे, तो उसमें जो हमारा टाइमिंग था, जो पीरियड ऑफ टाइमिंग था, वो ज्यादा लग रहा था। मिनिमम 4 घंटे, 12 घंटे, कहीं गए तो 24 घंटे, 36 घंटे भी चलते हैं किसी भी मटेरियल को ड्राइंग करने के लिए। ठीक है, तो ये देखा गया कि अगर इसमें इस चीज को, जैसे अभी तक क्या था, ड्रायर था और उसमें बस हिस्ट्री, कोई भी आपका यूटिलिटी, जो हीटिंग मीडियम हो या हॉट वाटर हो या स्टीम हो या हॉट वाटर हो या हॉट ऑयल हो, ठीक है, दे रहे हैं और वो मॉइस्चर एटमोसफियर में रिलीज कर रहा है, ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, लेकिन ये टाइम पीरियड में बहुत टाइम लग रहा है, समझ रहे हो, ये काम होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो हमने क्या किया, इस पीरियड ऑफ टाइम को शॉर्ट करने के लिए क्या किया, वैक्यूम किया। मतलब क्या, अब हम जानते हैं कि अगर आप अच्छी तरह जानते हो कि प्रेशर और उसका टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे टेम्परेचर घटेगा, ये तो कॉमन सी चीज है, ये आपने पढ़ा है और हमने पढ़ रखे हैं, और हर एक चीज में इसका एप्लीकेशन लागू होता है। तो सबसे मेन प्रियोरिटी, देखो मैं सीधे आ रहा हूं, ये समझ लो एप्लीकेशन की बात अभी चल रही है, इसके पीछे की वजह क्यों लाया गया, ये सब चीजें उसी में आ जाएंगी, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बाद में देख लेंगे, सब पीछे का वजह देख लेते हैं, क्या जरूरत पड़ी। मतलब हमें सबसे पहले क्या, शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हो गया, जो टाइम हो गया वो बच गया। अब वैक्यूम की वजह से क्या होगा, जो हमारा देर टाइम 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे लगते थे, उसके कंपेयर में कहीं ना कहीं आधा हो जाएगा। जो मॉइस्चर अपने आप अपने स्पीड से ऊपर वेपराइज हो रहा था, अब उसको कोई ना कोई फोर्स है जो खींच रहा है, समझ रहे हो, कोई ना कोई, मतलब ये समझना, अब हम क्या करेंगे, कोई एक वैक्यूम पंप लेंगे या कोई भी स्टीम जेट इजेक्टर लेंगे, ठीक है, वो इस कंडेंसर में वैक्यूम लगा देंगे, कहीं ना कहीं टॉप में यहाँ वैक्यूम लगा देंगे। ठीक है, और वो टॉप में जैसे ही वैक्यूम में जाएगा, ये वैक्यूम पूरे इसमें कहाँ जाएगा, घूमने लगेगा। तो जो मॉइस्चर अब अपने आप ट्रेवल कर रहा था, अब उसको वैक्यूम खींच रहा है, तो एक टाइम बचा, जो सर्टेन अब टाइम बढ़ रहा था वो टाइम बचा। और जब टाइम बचेगा तो क्या फायदा होगा, जो हमको एक्स्ट्रा हीटिंग मीडिया देना पड़ रहा था, हॉट वाटर, हॉट ऑयल, स्टीम या जो भी चीज़ें देनी पड़ रही थी, उसका कास्ट बचा कि नहीं बचा, वैक्यूम ट्रे ड्रायर में ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा देखते हैं क्या हुआ कि ठीक है, जब नॉर्मल मॉइस्चर रिमूव करना हो तो ठीक है भैया, हम हॉट वाटर घुमा रहे थे ट्रे ड्रायर में, क्या दिक्कत थी, हॉट वाटर हम कहीं से ले लेते, पैसा भी उतना नहीं लगता, और अब पानी गर्म घूम रहा है। लेकिन ये देखा गया कि ठीक है, यहाँ पे तो मॉइस्चर केवल रिमूव हो रहा है, लेकिन अगर इसमें कोई ऐसा सॉल्वेंट हो, अगर जो मटेरियल हम ड्राइंग कर रहे हैं वो एज ए सॉल्वेंट हो, और उस सॉल्वेंट को हमें निकालना है इस सॉल्यूट से, बात समझना, अगर कोई भी हमारा यहाँ पे पाउडर फॉर्म में मटेरियल आया होगा, उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो चीज का मिक्सर होगा, हमें सॉल्यूट निकालना है, सॉरी सॉल्यूट रखना है और सॉल्वेंट निकालना है, और वो सॉल्वेंट कास्टली है, या फिर वो सॉल्वेंट इस टाइप का है कि हम उसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ सकते, तो क्या करेंगे, अब ट्रे ड्रायर पे तो वहां फेल हो जाएगा, क्योंकि ट्रे ड्रायर तो सीधे एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, तो ये चीजें फिर गलत हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, वैक्यूम ट्रे ड्रायर में क्या किया, अब उसको एज ए वेपर लाइन, ये समझ लो आप, एक प्रकार का क्या है, वेपर लाइन है, ठीक है, वो कंडेंसर, ये वेपर यहाँ आएगा, यहाँ पे आपका समझ लो ये यूटिलिटी है, ये क्या यूटिलिटी, यहाँ पे हीन करेंगे कोई भी आपका यूटिलिटी, जो कोल्ड वाटर होगा या चिलिंग जो भी होगा, जिस प्रकार का आपका वेपर होगा वो यहाँ पे हीन होगा, ये आउट होगा, और वेपर यहाँ आएगा, कंडेंस हो जाएगा और रिसीवर में आएगा, फिर यहाँ आपका लगा रहता है पंप, इस पंप के थ्रू हमें जहाँ भेजना रहता है वहाँ भेज देते हैं। अगर हमारा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा सॉल्वेंट है जो यूज करने वाला है तो यूज कर लेंगे, अगर वेस्ट है तो हम इसको ईटीपी प्लांट में या कहीं पे एमई प्लांट में भेज कर ट्रीटमेंट करके उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो एक बात और ध्यान समझना, वैक्यूम ट्रे ड्रायर में दो चीजें बेसिकली आपने फायदा समझा, पहला क्या टाइम पीरियड, दूसरा कोई ऐसा सॉल्वेंट है जो हम यूज कर सकते हैं, जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में भी नहीं छोड़ सकते, ये दो तीन चीजों के लिए वैक्यूम ट्रे ड्रायर लगा। और क्या था हीट सेंसिटिव मटेरियल, जो मान लो कोई ऐसा मटेरियल है जो हीट सेंसिटिव, मतलब ज्यादा हीट को नहीं सह पाएगा,
जो ज्यादा हीट को नहीं सह पाएगा। जैसे मान लो हम अभी तक क्या था ट्रेड आयर में, नॉर्मली क्या करते हैं, हीटिंग लगा दो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई मटेरियल है कि ज्यादा हीटिंग लगाएंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। हीट सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है, ज्यादा हीटिंग देने पे वो अपने कंपोनेंट में अपने ही आयनों में टूट जाते हैं। तो हम क्या करते हैं भैया, वैक्यूम लगा दो। वैक्यूम लगाने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गुरु, कम टेम्परेचर पे ही वो ऑपरेट हो जाएगा। तो वो हीट सेंसिटिव मटेरियल जो था वो अब डिकम्पोज ना होके कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही इवॉपरेट हो जाएगा और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। आई बात समझ में, ये वैक्यूम ट्रेड आयर का फायदा होता है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हो ये आपका जो बीच में सेंटर मैंने बनाया है, अगर शायद 3D रहता तो आप अच्छे से समझ जाते, ये गेट की तरह होता है। गेट समझ रहे, ये ऐसे खुलेगा या फिर केवल एक इसका मेन गेट हो जाएगा, वो केवल यहां से खुलेगा। दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा गेट इसका ओपनिंग का। आई बात समझ में, ये जो आपको दिख रहा है ये नंबर्स ऑफ ट्रे हैं। क्या है, नंबर्स ऑफ ट्रे। सेम देखिए, ट्रे की जो मैंने ट्रेड आयर में बताई थी कितने ट्रे होते हैं, सब 12 से 192 के बीच में होगा। ये सब ट्रेड आयर का जो पिछला सब वही सेम अप्लीकेशन होगा, कोई कुछ चेंज नहीं होगा। बस चेंज क्या होगा, वैक्यूम लगा देंगे और सारा सब चीज वही, जितना मैंने उसकी प्लेट की गहराई बताई थी उस गहराई जितना मटेरियल फीड करते सेम वही रहेगा, जितनी हाइट बताई थी सेम हाइट का रहेगा, मिनिमम जितना प्लेट में सब सेम कुछ वही रहेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए, वहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बाकी ट्रे आपका सेम ऐसे होता है, गेट ओपन होता है। अब ये जो मैंने बताया बना रखा है ये क्या है, ये जैकेट होता है। इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, कोई हॉट वाटर देंगे, कोई हॉट वाटर दे देंगे या हॉट ऑयल दे देंगे, ठीक है, या अगर स्टीम देने वाली चीज है तो स्टीम दे देंगे, या इन सब को हटा के याद रखिएगा कहीं कहीं क्या होता है, फ्रेश एयर दी जाती है। और वह फ्रेश एयर क्या होती है, कोई यूटिलिटी हम दे देंगे, वह यूटिलिटी इससे गर्म। अब चूंकि देखो होता क्या है, आप ये मान लो यूटिलिटी सेम कोई एक यूटिलिटी दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें क्या करेंगे हमें नॉर्मल हवा देंगे और वह नॉर्मल हवा इस गर्म चीज से होके गुजरेगी। आई बात समझ में, यह आपका जो नॉर्मल एयर होगा वो इस किसी यूटिलिटी से होकर गुजरेगी तो हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और वो हवा जब गर्म होगी तो याद रखिएगा ये यहाँ से घूमेगी, यहाँ से और वो कहीं यहाँ से आपका निकलेगा आउटलेट। चलो हमें यहाँ से बना देते हैं, आउटलेट हो रहा है, ठीक है, ये आउटलेट हो रहा है। तो जब ये आप समझना ये गर्म होगा, फिर इसके बीच में ये जो बना है ये दीवाल बना है ये दीवाल गर्म होगा, और इस दीवाल के बीच में राड लगा होता है जिसके ऊपर आपका ट्रे होता है, वह ट्रे गर्म होगा और उस ट्रे से आपका क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। इसीलिए आप देखते हो बोलते हैं लोग कि इसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा क्या होगा, कंडक्शन के प्रिंसिपल पर होगा, और यहाँ पे कंडक्शन भी देखने को मिलेगा, कन्वेक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल जब बात होती है यहाँ पे, मैंने कई जगह देखा कि लोग बोलते हैं वैक्यूम ट्रेडर वैक्यूम के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, देखो ऐसा नहीं है। वैक्यूम ट्रेडर वैक्यूम के वैक्यूम क्या, वैक्यूम नहीं लगाओगे तो क्या आपका ड्राइंग नहीं होगा क्या, होगा, टाइम कम लगेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वैक्यूम ट्रेडर वैक्यूम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम ये चीज समझते हैं कि किसकी वजह से वहां पे हीट कट, किसकी वजह से, मतलब समझना कहना क्या, प्रिंसिपल का मतलब ये होता है किस चीज की वजह से वो काम हो रहा है। आई बात समझ में। अब वैक्यूम ट्रेडर में ऐसा नहीं कि वैक्यूम की वजह से ही ड्राइंग हो रहा है, नहीं भैया, वो बिना उसके भी होगा, बस आपका टाइम बढ़ जाएगा। तो आपका जो हीट ट्रांसफर मेन होने वाला है वो होगा कंडक्शन के प्रिंसिपल पे, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको जो देखने को मिलेगा, क्योंकि दो बॉडी आपस में हीट का ट्रांसफर करेंगे, जो आपका ट्रे है वो भी सॉलिड है और ये जो बॉडी है जो आपका दीवार की तरह खड़ी है ये भी आपका सॉलिड है, तो मेन मोटो आपका कंडक्शन होगा। इसलिए हम अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो ये बोलेंगे कंडक्शन के प्रिंसिपल पे आपका क्या VTD काम करता है। आई बात समझ में, कहीं ना कहीं कन्वेक्शन भी है, मैं इस बात से आपके याद रखे पीछे नहीं हट रहा हूँ, कन्वेक्शन भी अगर आपके मन में आता है तो कन्वेक्शन में भी है, कन्वेक्शन भी हो रहा है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। लेकिन अगर हम ये निकालें सबसे ज्यादा किस वजह से हो रहा है तो आपका कंडक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्शन में, ये आपका एक जॉकेट होता है और दो जॉकेट के बीच में हॉट वाटर कोई घुमाते हैं और यहाँ से आउटलेट हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉडी गर्म हो तो इसके अंदर जो आपका जिसके ऊपर ट्रे रखा जाता है वो चीजें सब एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं तो वो भी गर्म हो जाता है, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, जो ट्रे पे जो आपका ये ट्रे निकलती है, सारे ट्रे निकलती हैं और इस ट्रे में हम क्या करते हैं आपका मटेरियल फीड करते हैं और वो मटेरियल फीड करके डाल देंगे, ठीक है। और वो यहाँ पे जैसे गेट बंद करेंगे तो इस गेट के ऊपर याद रखिए क्या लगा होता है, गेज लगा होता है, वैक्यूम गेज लगा होता है जो दिखाता है कितना वैक्यूम है इस ट्रेड आयर के अंदर। याद रहे ये सारा सिस्टम एक क्लोज लूप सिस्टम होता है, कहीं पे भी इसकी लीकेज नहीं होनी चाहिए नहीं तो वैक्यूम आपका ड्रॉप होगा, ठीक है। इस तरह इसलिए यह पूरा सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम होता है। यहाँ पे गेज लगा होता है और यहाँ पे व्यू ग्लास भी होता है जिससे हम बाहर से अंदर की चीजों को देख सकते हैं कि हमारी सब चीजें एवरीथिंग इज ओके, ओके।
और यहां से आपका वेपर ऊपर ट्रेवल करेगा, क्योंकि हमने वैक्यूम यहां लगा रखा है कंडेंसर के टॉप में ही, तो वैक्यूम यहां पे आपका वैक्यूम की वजह से पूरे ट्रेड एयर में वैक्यूम बन जाएगा और यह वेपर कंडेंसर में आएगा और कंडेंसर से कंडेंस होकर रिसीवर में, उसके बाद जिस टाइप का आपको इस सॉल्वेंट को जहां पे रिमूव करना है वहां पे आप रिमूव कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हो गया, एप्लीकेशन आपने समझी गया, फिर भी बता देता हूं एप्लीकेशन क्या, इतनी सारी एप्लीकेशन बताया मैंने, इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज सबसे ज्यादा आपको फार्मा इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, फूड इंडस्ट्री में भी देखने को मिल सकता है और पेंट इंडस्ट्री में भी आपको इसका यूज देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ऐसे भी मटेरियल जहां पे हीट सेंसिटिव मटेरियल हो, जो मैंने आपको बताया, वहां पे भी यूज हो सकता है। और कहीं कहीं अगर हमको पीरियड ऑफ टाइम बचाना है तो वहां पे भी हम वैक्यूम ट्रेड एयर का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। सबसे बड़ा एडवांटेज आपका यही है गुरु, कि जो टाइम बढ़ रहा था वो टाइम कम हो गया, पहली बात, ठीक है, ओके। दूसरी बात, अब टाइम बढ़ने से क्या होगा, हमारा फायदा क्या होगा, कास्ट बच जाएगा, ये दूसरी बात। तीसरा, इसकी कंस्ट्रक्शन और जो भी चीजें ऑपरेट करने की जो चीजें हैं वो बहुत आसान है, कोई भी आदमी ऑपरेट कर सकता है, कुछ करना नहीं है, बस गेट खोलना है, नंबर सब ट्रे बाहर निकालने, इसके ऊपर मटेरियल फिट करना है, इस ट्रे को इसके अंदर डाल देना है और कुछ नहीं, हॉट वाटर चालू कर दीजिए, वैक्यूम पंप या जो भी इंजेक्टर है वो चालू कर दीजिए, आपका ड्राइंग स्टार्ट हो गया। आई बात समझ में? तो ये इसके एडवांटेज हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि मैन पावर इसमें ज्यादा लगेगा, ट्रे निकालने के लिए आदमी चाहिए, ट्रे डालने के लिए आदमी चाहिए, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि मैन पावर यहाँ पे ज्यादा होगा। दूसरा, वैक्यूम ट्रेड एयर में अगर एक चीज देखा जाए कि चूंकि सॉल्वेंट अभी यहाँ पे ही ऑपरेट कराना है, ऐसे कोई नॉर्मल केमिकल है मॉइस्चर नहीं, अब यहाँ पे कोई ऐसे केमिकल है जो हमारे यूज में आ सकते हैं, तो उसके लिए हमारा थोड़ा सेफ्टी यहाँ पे वो चीजें ध्यान में रखनी पड़े। अगर सेफ्टी आप बाईपास करोगे, अगर मान लो जो व्यक्ति ट्रेड एयर पे नॉर्मल ट्रेड एयर पे ऐसे ही हाथ से पाउडर डाल रहा था, ट्रे पे पाउडर रख दे रहा था, अब उसको कहीं ना कहीं सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा, उसे पूरा सेफ्टी ग्लव्स पहनना होगा, सब कुछ चीजें पहननी होगी, तो ये एक चीजें डिसएडवांटेज है, हमें कहीं ना कहीं ज्यादा अब सेफ्टी यहाँ पे एज टू कंपेयर ट्रेड एयर के यहाँ पे फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये था वैक्यूम ट्रेड एयर, कोई ज्यादा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं था, इसलिए ज्यादा फोकस भी मेरा इस पर उतना नहीं रहा। मैं उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा टॉपिक आपके दिमाग में बहुत प्यार से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, उस पर आपको नोट्स मिलेगा। फिर भी वहां से आपको अगर चीजें क्लियर नहीं होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं उस कमेंट बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग बाई दिस वीडियो।